चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। यह आपका न्यूक्लियस है और यह आपका ऑर्बिट्स है। आपको पता है नील बोर के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट मेनी ऑर्बिट्स पॉसिबल है। तो ये आपका ऑर्बिट्स है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा ऑर्बिट यहां पे होगा, ध्यान देना। ये n इजिकल टू 1, ये n इजिकल टू 2, ये एन इजिकल टू 3, ये एन इजिकल टू 4, ये एन इजिकल टू 5, ये एन इजिकल टू 6, ये 7, ये 8 और ये एन इजिकल टू इन्फिनिटी। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, पॉसिबल है। कोई दिक्कत, बोलो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, यहां पे पॉसिबल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के तरफ आता है, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के तरफ जब आता है, तो एनर्जी रिलीज करता है। समझ पा रहे हो, एनर्जी रिलीज करता है। कोई दिक्कत, तो यहां पे समझोगे कि यहां पे भी वही चीज हो रहा है। होता क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ट्रांजिशन करे, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ट्रांजिशन करे, मतलब वो 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, 4 से 1 पे आए, 5 से 1 पे आए, 6 से 1 पे आए, या 7th और 8 से 1 पे आए, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट से कहां पे आए, 1 पे आए, यानी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो वो ट्रांजिशन करके कहां पे आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 1 पे आ रहा है। तो इस केस में ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, बोलो। एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जो एनर्जी होगा, वो एनर्जी होगा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्या होगा एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट करेगा। समझ पा रहे हो। और इस सीरीज को, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रहे, ट्रांजिशन कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करेगा। और इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अब उसके नाम पे इस सीरीज का नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, बोलो। लाइमन सीरीज नाम रख दिया है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में। अब आगे देखो, आगे में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कहां से ट्रांसफर हो रहा हो, बोलो। 2 पे आ रहा हो, कहां पे आ रहा हो, 2 पे, मतलब 3 से 2 पे आ रहा हो, 4 से 2 पे आ रहा हो, 5 से 2 पे आ रहा हो, 6 से 2 पे आ रहा हो, 7 से 2 पे आ रहा हो,
एट से टू पे आ रहा हो या इन्फिनिटी से कहां आ रहा हो, टू पे आ रहा हो, तो इस केस में रेडिएशन निकलता है। कौन सा रेडिएशन निकलता है? उस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट या वाइट लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। वाइट लाइट निकलता है जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी चीज को देख पाते हो। बाकी किसी एनर्जी वाले एनर्जी में आप नहीं देख पाते हो, बस वाइट ही लाइट को क्या कर सकते हो, देख पाते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विजिबल रेडिएशन। इस सीरीज को हम लोग नाम देते हैं बाल्मर सीरीज। क्या नाम देते हैं? बाल्मर सीरीज। यानी बाल्मर सीरीज का इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है? टू। इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है? टू। और कहां तक, कहां से कहां पे आ रहा है? इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी से, या फिर थ्री से, या फिर फाइव से, या फिर सेवन से, या फिर फिफ्टीन सिक्सटीन से, कहां पे उतर रहा हो? टू पे उतर रहा। तो उस रेडिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पाल्मर सीरीज बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सीरीज के तरफ आएंगे। तो पहला है हमारा लेमन, पहला है हमारा लेमन सीरीज, दूसरा क्या है? बाल्मर सीरीज। अगला सीरीज जरा सा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सीरीज समझिएगा। ये ऑर्बिट नंबर थ्री पे उतर रहा है। कहां पे उतर रहा है? थ्री पे। यानी फोर से थ्री में आए, फाइव से थ्री में आए, सिक्स से थ्री पे आए, सेवन से थ्री पे आए, एट से थ्री पे आए, या फिर इन्फिनिटी से कहां पे आए? थ्री पे आए। तो ये रेडिएशन छोड़ता है और इस रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं इंफ्रा रेड रेडिएशन। क्या बोलते हैं? इंफ्रा रेड रेडिएशन बोलते हैं। और इस सीरीज का नाम होता है पैश्चन सीरीज। क्या नाम होता है इस सीरीज का? बोलो, पैश्चन सीरीज इसको बोलते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट लोग थे, बाल्मर, लेमन, पैश्चन, इन लोग का नाम के हिसाब से अपना क्या कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। समझ पा रहे हो बात को? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद से एक और है, ठीक है ना, पीफंड। क्या नाम है इनका? जनरली तीन ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। पैशन के बाद से ब्रैकेट। तो अगला कौन सा है? ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट का क्या है, कहां पे उतरेगा? चौथे पे उतर रहा है। कहीं से भी आ रहा, कहां पे उतरेगा? चौथे पे उतर रहा है। इन्फिनिटी से भी आ रहा, चौथे पे उतरेगा। तो देखो ये भी कौन सा रेडिएशन इमिट करता है? बोलो, इंफ्रारेड ही निकालता है। क्या निकालता है? इंफ्रारेड ही। और इसका क्या नाम है? ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम है? ब्रैकेट सीरीज नाम है। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम बोलिए, कोई दिक्कत? तो यहां पे ध्यान दोगे, ये आपका इनिशियल ऑर्बिट है। कौन सा है? एन इनिशियल, ठीक है ना। लाइमन का इनिशियल क्या है? वन। बाल्मर का टू, पैशन का थ्री, ब्रैकेट का फोर, और पीफंड का पांच।
पहला में क्या दिख रहा है? अल्ट्रावायलेट। ये फाइनल कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, वन छोड़ करके कोई भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल किस में गिरना है? वन में गिरना है, उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या निकलता है? अल्ट्रावायलेट। और बाल्मर में विजिबल। अब बाकी जितना है उसमें सब में क्या निकलता है? इंफ्रारेड निकल रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अब हम लोग को यहां पे एक डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है? तो हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेव नंबर का डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है? वेव नंबर का डेरिवेशन करना है। ध्यान दीजिएगा, वेव नंबर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पेज ही पे चले जाते हैं। वेव नंबर इन, बोलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वेव नंबर इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ध्यान दोगे तो वेव नंबर क्या होता है? जब आपको वेव पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम वेव नंबर भी पढ़ाए थे। वेव नंबर का फॉर्मूला होता था इस तरीके से, वेव नंबर हम लोग लिखते थे, जिसका वैल्यू क्या होता था? वन बाई वेव लेंथ के बराबर होता था। ये वेव नंबर है, क्या है? वेव नंबर। और ये क्या है? ये आपका वेव लेंथ है। तो वेव नंबर जो है वेव लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर है। किसके रेसिप्रोकल के बराबर है? वेव लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर है। कोई प्रॉब्लम यहां पे इसको बात समझने में? अब यहां पे आप हाइड्रोजन, कल जो एनर्जी का जो डेरिवेशन हम लोग किए थे याद करो, तो फाइनली एनर्जी का जब डेरिवेशन आप लोग किए थे तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था? अब बोलोगे टू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर फोर पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वन का एन इनिशियल माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, ये आया था। यहां तक तो आप डेराइव कर सकते हो, कल जो हम लोग किए थे यहां तक तो कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम? चलो, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बताओगे? क्या एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है क्या? एस सी वाई लेमडा, यही होता है क्या? एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, यही होता है ना? बोलो तो क्या होगा? एस सी बाई लेमडा टू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर चार पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर वन बाई एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन बाई एन फाइनल का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां पे वन बाई लेमडा रहेगा क्या? मतलब ये एच सी उधर में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा? टू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर चार पाई स्क्वायर एम, और उधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर एच क्यूब इंटू सी, यही होगा ना? बोलोगे एच क्यूब इंटू सी वन बाई एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन बाई फाइनल का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब यहां पे जरा सा देखो, वन बाई लेमडा जो है ये वाला, वही किसके बराबर है? वेव नंबर के बराबर है क्या? किसके बराबर है? वेव नंबर के बराबर है। तो इसको हम लोग वन बाई लेमडा को बोलेंगे वेव नंबर। कोई दिक्कत? बोलिए। अब यहां पे समझिएगा, टू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर चार पाई स्क्वायर एम एच क्यूब इंटू सी वन बाई एन इनिशियल माइनस वन बाई एन फाइनल का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक चीज, क्या समझना है ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है आपका टू के स्क्वायर ई का पावर चार, केवल किसको छोड़ करके?
केवल जेड स्क्वायर को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, जेड स्क्वायर का छोड़ करके, 2k² e का पावर 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h³ इनटू c, इसको हम लोग मानते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या मानते हैं? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉरी r से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो फाइनली हमारा जो होगा वेव नंबर जो होगा वो क्या होगा, r z स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर छूटा था ना, पूरा टर्म किसके बराबर हो गया, r 1 by n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 by बोलो फाइनल का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान दोगे, r का जो वैल्यू होता है वो रेड बॉक्स ने जो है निर्धारित कर दिया है, कितना होता है 109 सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत। तो आप रेड बॉक्स का वैल्यू लिख लेंगे, कितना है 109677 जेड स्क्वायर, ये z है बाबू, टू मत समझ लेना, 1 by n इनिशियल माइनस 1 by n फाइनल सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत यहां पे। ये आ गया आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वेव नंबर का फॉर्मूला, कोई दिक्कत, केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन अगर आप समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका मतलब आपका स्टडी जो है साइंटिफिक स्टडी चल रहा है, रट्टा छाप स्टडी नहीं है। हाँ, लेकिन फाइनल फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से आपको बहुत सारा सवाल जो है नीट में, जेई में, आपके बिहार बोर्ड में उठा के देता है। कभी 2017 के टाइम में तो ऐसा होता था ना, नीट का क्वेश्चन सीधे उठा के बिहार बोर्ड वाला डाल देता था। 2017 का रिजल्ट आया था, हम उस टाइम में एक कॉलेज में पढ़ाते थे, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे उस टाइम में, तो उस कॉलेज में उस साल जो है एडमिशन ही नहीं हुआ था 2017 में। अब पूरे साइंस में, पूरे मैथ में, साइंस में शायद 10% रिजल्ट था उस एरिया का जहाँ पे हम पढ़ाते थे, और मैथ वालों का टोटल रिजल्ट 8% था उस एरिया में। सिवान में हम जब उस टाइम हम सिवान में रुके हुए थे, तो पूरा लॉज वगैरह था, रामराज मोड़ था, तो सब लोग एकदम जो है विधवा विलाप कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी का इंतकाल हो गया है, सामूहिक इंतकाल हुआ। तुम लोग उम्र का लड़का कितना हंसता खेलता एकदम कूद फान रहे हैं, एकदम बागों में बाहर हैं, कोई टेंशन नहीं है। और उस दिन ऐसा लग रहा था, तब तो तुम्हारी उम्र का होगा सब ना, 1-2 साल प्लस माइनस है कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि किसी का मृत्यु हो गया है कि नहीं, एकदम अजीब सा सन्नाटा था। अरे दुल्हन जेब में, दुल्हन जेब बताओ। और उस टाइम में जियो नया नया आया था, ये भी बात समझ ली, 2017 के आसपास, फ्री में सिम लीजिए दू और ये अनलिमिटेड डाटा घिसिए है कि नहीं। और सब लड़का सब के हाथ में दुल्हन आ गई। अब इंटरनेट पे उसी टाइम में जो है बीबी की बाइंस, कैरी मिनाटी लोग जो है फेमस हो रहा था, इंटरनेट फ्री में आ गया था है कि नहीं। अमित भड़ाना, कौन कौन सा क्रिएटर लोग उस जमाने में क्या हो रहा था, फेमस हो रहा था। मतलब जो भी गंगा में हाथ धो लिया वो इस वक्त जो है करोड़पति हो गया, बात समझ रहे हो। अब बॉलीवुड का हालत खराब हो गया, लेकिन उसका एक डीमेरिट ये हुआ कि बच्चे फेल हो गए उस साल। आज इस कॉलेज में हम पढ़ाते थे उस साल एडमिशन ही नहीं हुआ, टोटल बीटेक में 28 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, टोटल 160 में, 360 में, 6 ब्रांच था, 60-60 सीट का टोटल एडमिशन, समझ रहे हो, इतना कम। और भी जो लड़का था सब पिछले साल का था, सब रिपीटर वाला जो होता है
वो एडमिशन लिया था, पूरा का पूरा कुनबा क्या हो गया, पूरा का पूरा कुनबा जो है फेल हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये चीज होता है, समझे। तो उस टाइम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा नीट के लेवल पे बिहार बोर्ड पूछ देता था, समझ रहे हो। ये चीज है, कोई प्रॉब्लम यहां तक डेरिवेशन समझने में, बोलिएगा। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेव नंबर इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर मार रहा है, 2 से मार रहा है, कहां पे, 1 में। हाइड्रोजन एटम है, ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो बताओ कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा है, 2 से 1 में कर रहा है। कौन सा रेडिएशन निकलेगा, वेरी गुड, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलेगा, यानी कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज है। कोई दिक्कत यहां पे, तो 2 से 1 में आ रहा है, यानी ये फाइनल हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। Z कितना है, हाइड्रोजन एटम है ना, Z1 है। तो वेव नंबर आपसे पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला है वेव नंबर का, 109 इंटू जेड स्क्वायर, 1 इनिशियल माइनस, बोलो, फाइनल सेंटीमीटर इनवर्स। चलो तो बताओगे कितना होगा, 109677 इंटू 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर है और ये कितना है, 2 का स्क्वायर है, समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। 109677 इंटू 1 माइनस 4 सेंटीमीटर इनवर्स कितना होगा, 109677 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/4 कितना आएगा, 109677 इंटू 3/4 सेंटीमीटर इनवर्स, कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम बोलिए। तो कहां से लिखना है, यहां से ना, चलो नोट करिए, फास्ट नोट करिए,
हो गया, बोलो, लिख लिए हो सभी लोग? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन है जो कई बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दोगे? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपको वेव नंबर बताना है। क्या बताना है? वेव नंबर बताना है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ के लिए। किसमें? कौन से सीरीज में? पाल्मर सीरीज में। तो बहुत सारा इसके अंदर में टर्म है। सबसे पहले दिया हुआ है कौन सा? लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। फिर क्या दिया हुआ है, बोलो? पाल्मर सीरीज दिया हुआ है। तो भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज आखिर है क्या? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बाल्मर सीरीज होता क्या है। तो ये न्यूक्लियस है और ये क्या है आपका? ऑर्बिट है। ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, जो भी है। तो बाल्मर सीरीज के लिए एन इनिशियल क्या होता है? टू होता है क्या? एन इनिशियल क्या है? टू है। यानी उसको वन से कोई लेना देना नहीं है, यानी इनिशियल ऑर्बिट टू होगा हर हाल में। और फाइनल ऑर्बिट जो है वो कुछ भी हो सकता है। फाइनल ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत? ये इन्फिनिटी अगर है तो इन्फिनिटी तक क्या हो सकता है? एन फाइनल हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? समझ गए बाल्मर सीरीज क्या है? अब यहां पे क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, जिसका वेवलेंथ जो है वो कैसा हो, लंबा इस तरीके का हो। ये आपका शॉर्ट वेवलेंथ है ऐसा, और इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? अब ये वेवलेंथ जो है ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यानी एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। मतलब अगर आपका एनर्जी ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। वेवलेंथ क्या होगा? छोटा होगा। अगर आपका एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ बड़ा होगा। समझ पा रहे हो? तो जरा बताइए, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ में ज्यादा एनर्जी किसके अंदर में होगा? नीचे वाले का एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी, और ऊपर वाला क्या होगा? लेस एनर्जी वाला हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बोलो। अब एनर्जी ज्यादा किस में होगा, सवाल ये पैदा होता है, एनर्जी ज्यादा किस में होगा? तो ट्रांजिशन करने में गैप जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, गैप जितना कम होगा एनर्जी उतना ही कम होगा। मतलब
कि ये आपका ऑर्बिट है, यहां से यहां पे आना है इलेक्ट्रॉन का, यहां से यहां पे आना है इलेक्ट्रॉन का, समझ पा रहे हो, और दूसरा यहां से यहां पे आना है इलेक्ट्रॉन को, समझ पा रहे हो। तो दोनों में एनर्जी ज्यादा किसमें होगा, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा, इसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा और इसमें कम एनर्जी निकलेगा, कोई दिक्कत। यानी इसका वेवलेंथ ऐसे होगा और इसका वेवलेंथ ऐसा होगा, समझ पा रहे हो बात को। यानी इसमें लंबा वेवलेंथ होगा, यानी कम एनर्जी वाला में लंबा वेवलेंथ और ज्यादा एनर्जी वाला में छोटा वेवलेंथ, यानी कम ट्रांजिशन करेगा तो वेवलेंथ कैसा होगा, लंबा होगा, एनर्जी कम होगा उसमें, समझ पा रहे हो, कम ट्रांजिशन करेगा। और ज्यादा जितना दूर से ट्रांजिशन करेगा उतना ही उसके अंदर में एनर्जी ज्यादा होगा, उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा, समझ पा रहे हो ये बात, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं सवाल पे, कहां पे आएंगे, सवाल पे। पाल्मर सीरीज तो समझ गए, कहां पे गिरना है, अल्टीमेटली टू पे गिरना है, वन से कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहा है वेवलेंथ किसके लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन बताओ कहां से कहां के बीच में होगा, सबसे लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट यानी सबसे कम एनर्जी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे कम एनर्जी। तो बताओ सबसे कम एनर्जी किसमें कहां से ट्रांसफर होगा तो निकलेगा, वेरी गुड। थ्री से अगर टू में जाता है तो इसमें क्या होगा, सबसे कम एनर्जी होगा जो निकलेगा, और इसका वेवलेंथ क्या होगा, बोलो, सबसे लंबा वेवलेंथ होगा, और सबसे छोटा वेवलेंथ किसमें होगा, जब वो इनफाइनाइट से किसमें जाए, टू में जाए, तो एनर्जी बहुत भयंकर निकलेगा जिसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, समझ पा रहे हो बात को। तो अब ये क्वेश्चन देखने में तो एक लाइन का लग रहा है, लेकिन बड़ा बड़ा टॉपर लोग जो है ये बेसिक डिफरेंस क्लियर नहीं होने की वजह से एग्जाम में सवाल बना नहीं पाता है, बहुत लोग को हम देखे हैं, समझ पा रहे हो बात को, क्लियर हो गया। यानी अब यहां पे क्या होगा, एन एन फाइनल क्या हो जाएगा, थ्री, और एन इनिशियल क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो क्या पूछ रहा आपसे, वेव नंबर, वेव नंबर फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे ना, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, जेड पता है, ठीक है, एन पता है, कर सकते हो, बोलो, अच्छा दो हो गया है, ठीक है ठीक है, हम कर देते हैं पेमेंट, कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तो सॉल्व कर सकते हो, सवाल समझा दिए हैं, सॉल्व कर, सवाल केवल लिख लीजिए, इसको होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। आज